सार्वजनिक क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया जबरदस्त घाटे में है। एयर इंडिया के 52,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार एयर इंडिया को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के रास्ते तलाश रही है। ऐसे में अब खबर है कि निजी कंपनी टाटा सरकार से एयर इंडिया को खरीद सकती है। खबर तो ये भी है कि इस बाबत टाटा के अधिकारों और सरकार के बीच अनौपचारिक बातचीत भी हुई है, जिसमें उन्होंने 51% इक्विटी के साथ एयर इंडिया पर टाटा समूह के नियंत्रण की इच्छा जताई है। सरकार का एक दशक से घाटे में चल रही विमान कंपनी एयर इंडिया के निजीकरण के बारे में विचार कर रही है। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि विमानन मंत्रालय को उन सभी संभावनाओं का पता लगाने की जरूरत है, जिससे एयर इंडिया का निजीकरण किया जा सकता है। एयर इंडिया के 52,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। टाटा ग्रुप ने सरकार से एयर इंडिया को खरीदने के लिए जो इच्छा दिखाई है, उसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये कि एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और 1953 में सरकार ने इसको टाटा से खरीद लिया था। अब इसे वापस खरीद कर टाटा फिर से अपना बता सकेगा। दूसरा कारण ये है कि विस्तारा को अपने इंटरनेशनल फ्लीट के लिए बड़े प्लेन चाहिए, जो फिलहाल उसके पास नहीं है। अगले साल से विस्तारा को अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करनी है, जिसके लिए उसे एयर इंडिया से साथ मिल सकता है। तीसरा कारण ये है कि सिंगापुर एयरलाइंस को अपने देश में मौजूद प्राइवेट एयरलाइंस से काफी बड़ी टक्कर मिल रही है। एयर इंडिया के आने से उसे भी अपने नेटवर्क विस्तार करने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN।